नोटबंदी प्रक्रिया में धांधली का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। 80% ग्रामीण नहीं चाहते हैं चकबंदी। ग्रामीणों ने डीएम से की कार्रवाई की मांग। खबर यूपी के कन्नौज जिले से है, जहां के सदर ब्लॉक खंड के महाचंदापुर गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि लेखपाल व अन्य लोग दबंगों के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों की खेती का रकबा जानबूझकर कम किया जा रहा है। साथ ही बेहिचक रुपए की भी मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने डीएम से चकबंदी की प्रक्रिया दोबारा कराने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को सदर ब्लॉक क्षेत्र के महाचंदापुर गांव निवासी उमा शंकर, गोविंद, राजेश, रामपाल, जगदीश, दीपचंद, रावेंद्र, राम कुमार, शिवम, रूप, दिशा, सुधीर, धीरज समेत करीब आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। ग्रामीणों ने डीएम को दिए शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा है कि चकबंदी में हेराफेरी की जा रही है। गांव के 80% लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं। मैं उमा शंकर बोल रहा हूं। उमा शंकर जी, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये सर, हमारे दिखात में मैं 4 बीघा जमीन जोत रहा था, लेकिन अब इन्होंने मात्र में 2 बीघे राखी, 2 बीघा खा गए बिल्कुल करके, पता नहीं लगा रहे काम कहीं नहीं। इसलिए सर, कौन कर रहा? ये लेखपाल लोग और कानून को लोग और कुछ गाँव वाले हमारे लोग, बड़े बड़े आदमी जो पहले पैसे वाले थे, उन्होंने पैसे देकर अपना काम करवा लिया। हमको बिल्कुल पैसे बुद्ध इस जगह बैठा लिया, जहाँ पर मेरा एक बीघा खेत पड़ता था और 1 बीघा, 1.5 बीघा, 1.5 बीघा ये खेत वाले चेक हटा दिए गए। मान लीजिए अगर देना है हमको तो 1 बीघा 1.5 बीघा वाले में बैठाते हैं। 1 बीघा खेत जो वहाँ पर मैं कभी जोतने तक नहीं गया, चकबंदी में घोल में लोगों वहाँ पैसे भेज दिया। गड़बड़ी हो रही, गड़बड़ी में मेरे यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसलिए तो मैं तो सोचता हूँ कि मुझे चकबंदी, मैं सोचता हूँ इसलिए मुझे चकबंदी नहीं चाहिए। इससे मेरी पहले जैसे थी ऐसी बनी रहने दें तो मेरी बीघा खाण जमीन फालतू तो बनी रहे। डीएम साहब से क्या शिकायत करोगे? डीएम साहब से यही शिकायत करना है, मुझे चकबंदी नहीं चाहिए सर। पूरे गांव एक मत है चाहिए, या की जाए दोबारा पैमाश कर फिर दोबारा की जाए। पूरा गांव जितने लोग आपके साथ सब एक मत है, एक ही बात, दोबारा पैमाश की जाए। ये टीम, ये वाले पिछले वाली टीम बिल्कुल हटा दिया है कि उन्होंने बहुत नोट खाया। कहाँ का मामला है? कहाँ का? मचंदापुर का सर। राजेश जी, क्या समस्या है आज आप लोग ग्रामीण कहाँ से आए हैं? अरे मचंदापुर से आए हैं, हमारे चकबंदी में दिक्कत हो रही है गांव वालों को, गांव हमारा बहुत परेशान है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि चकबंदी हम लोगों को नहीं चाहिए, नष्ट होनी चाहिए। और चकबंदी अगर चाहिए दोबारा सर्वे हो और अच्छी तरीके चकबंदी हो, निष्पक्ष चकबंदी का विरोध जता रहे आप लोग। हाँ, तो अधिकारी क्या मनमानी कर रहे हैं क्या? हाँ, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं गांव वालों से। अच्छा, क्या कितने लोगों, कौन कहाँ एप्लीकेशन देने आए हो? हम डीएम साहब को देने आए हैं। कौन गांव से आए? मैं चंदापुर। दस्तक भारत के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट।